ये आप क्या कह रहे हैं? शेखर ने जो भी किया हो, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूँ रुक्मिणी, लेकिन पुलिस तो जो देखेगी उसी को सच मानेगी ना। बाबा हम सब लोग साथ में चलते हैं, जाकर इंस्पेक्टर को समझाएंगे कि शेखर ऐसा नहीं कर सकता। अब क्या होगा, शेखर को इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे? सब सबूत, सब बातें उसके खिलाफ जा रही हैं। बाबा ऐसे भी हो सकता है कि वेयर हाउस में आग अपने आप लग गई हो। आप कोई दूसरा वकील ढूंढ लीजिए, बेल तो मर्डर का चार्ज होने पर भी हो सकती है ना। अंकल हमें ये पता करना चाहिए कि कौन है जो शेखर के पीछे इस तरह पड़ा है। शेखर ने नेत्रा को किडनैप नहीं किया, पर किसी ने तो किया है ना, और किडनैप करने के बाद उसे आप ही के वेयर हाउस में क्यों छुपाए? इससे साफ जाहिर होता है कि कोई है जो शेखर को मुजरिम साबित करना चाहता है। और जिया, ये जो वेयर हाउस में आग लगी है अपने आप नहीं लगी है, मुझे लगता है आग किसी ने लगवाई है। मानस ठीक कह रहे, अगर इस सबके पीछे जो भी असली चेहरा है वो सामने आ जाए तो हमारा शेखर इनोसेंट प्रूफ हो सकता है। तब तक शेखर लॉकअप में ही रहेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शेखर और नेत्रा के रिश्ते में जो कुछ भी हो वो है तो नेत्रा की तरफ से ना, और ये बीच में ये सब कैसे? बात कहां से शुरू हुई थी और कहां आ गई? समर, मानस और नेत्रा की दादी के अलावा ऐसा कौन है जिसे पता है कि नेत्रा पुणे गई है? नेत्रा की किडनैपिंग और उसके मर्डर में जरूर उसी का हाथ है। देखो ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि इस मौके पर बुढ़िया से जितना हो सके माल ऐंठ लूं। काम जरा होशियारी के साथ होना चाहिए। इस मामले में अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया तो बस। फोन रखता हूं मैं। ओके हेलो, आप नेत्रा जी की दादी बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं जो पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। देखिए आपको इसी समय पुलिस स्टेशन आना होगा। नेत्रा का पता चल गया, कहाँ है वो? पांडे इंडस्ट्री के वेयर हाउस से जहाँ से नेत्रा जी का फोन आया था वहाँ पे आग लग गई थी, और वहाँ से एक औरत की बहुत बुरी तरह जली हुई लाश मिली। लाश? शिनाख्त के लिए आपको आना होगा। लाश इस बुरी कदर जल गई है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। उसके पास जो भी सामान मिला है उसी से पहचान करनी होगी। चलो ये अच्छा काम किया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये भगवान इस घर पर कहर बरसाना बंद क्यों नहीं कर रहा? सच, हमारा शेखर ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता, फिर भी ये सब हो गया। जो कभी एयर कंडीशन नरम गद्दों के बिना नहीं रहा, बेचारा कैसे हवालात में दिन गुजारेगा? भाई साहब आप जल्दी कुछ कीजिए। सब ठीक हो जाएगा, मैं शेखर के लिए हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा लॉयर लाकर खड़ा कर दूंगा। इसमें क्या शक है, आप तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक तो शेखर को ना तो शेखर जिया की वजह से पूना जाता, ना नेत्रा वहां जाती, और ना ही ये सब होता। होनी को कौन टाल सकता है बहन जी? हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है भाई साहब। शेखर ने जिया की वजह से घर छोड़ा है ना। अब भाई साहब पति पत्नी में 100 बातें होती हैं, पर कोई ऐसे थोड़ी करता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी पत्नी को पति पर ऐसे ज्यादती करते नहीं देखा। ना वो शेखर पूना जाता,
ना पीछे पीछे नेत्रा वहां जाती और ना ये सब होता। पता नहीं हमारा शेखर बेचारा कैसे अकेले ये सब झेल रहा होगा। नेत्रा, शेखर तुम सचमुच हो ना? मुझे बार बार ऐसा लगता है कि तुम आ गए, पर कोई नहीं होता। मैं तुम्हारे मुंबई जाने का इंतजाम करता हूँ, तुम तब तक यहाँ आराम कर सकती हो। वाले घर से निकला तो नेत्रा वहीं थी, ये बात मैंने समर भाई को बताई थी और समर भाई ने मानस को। इससे पहले कि मानस पुनः पहुंचता, किसी ने नेत्रा को गायब कर लिया। कौन हो सकता है? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नेत्रा की किसी से दुश्मनी? जय नेत्रा देवी, बोलो जय नेत्रा देवी। मर कर भी तूने मेरी सारी जेब भर दी। जय नेत्रा देवी। नेत्रा जी, इस त्रिलोक में आप जैसा भला कोई नहीं हो सकता था। आपने सारी जिंदगी मेरी जेबें भरी। आप साक्षात देवी थी, साक्षात देवी। लोग तो जीते जी किसी का भला नहीं करते, और आपने तो मरकर भी मुझे निहाल कर दिया, मालामाल कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे, नेत्रा जी के जिन इंश्योरेंस के पेपर्स पर मैंने साइन लिए थे, उनके जीते जी, उन पेपर्स के हिसाब से अगर नेत्रा जी को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस की सारी रकम का मालिक मैं, क्योंकि मैंने अपने आप को इनका नॉमिनी बना लिया था। बस अब तो सोचता हूं कि बुढ़िया के हाथ को भी 2-4 चमत्कारी कागज साइन करवा लूं। पोती के गम में बुढ़िया टूट चुकी है, अब क्या पता कब लुढ़क जाए। इसलिए मरने से पहले ये पुण्य कार्य उनके हाथों करवा लेना चाहता हूं। लेकिन विके साहब, ऐसी हालात में हमें चुप रहना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, हम फंस सकते हैं। कमजोरों वाली बात मत करो। पैसा पेड़ पर नहीं लटकता और ना ही बारिश के पानी में पानी की जगह टपकता है। दिमाग चलाने से आता है और दिमाग चलाना मुझे आता है। तुम बस अपनी कलम चलाओ, बाकी के पेपर तैयार करो। क्यों, हवालात में नींद नहीं आ रही? आ जाएगी धीरे धीरे। रात बहुत हो चुकी है, सो जा। कल सवेरे साहब के सामने तेरी पेशी है। ज्यादा बात नहीं करते, वो 2-4 सवाल करेंगे, इसके बाद तेरी छुट्टी। फिर जिंदगी भर दुआ मांगता रहेगा, नींद नहीं आएगी तुझे। कौन साहब है भैया? जीत साहब। तू तो गया। तू तो गया। बहुत कड़क है। ये ले। इतनी बेरहमी से मारता है ना, हालत खराब हो जाती। क्यों नहीं रुका?
शेखर को घर से बाहर क्यों भेजा? इसलिए उस नेत्रा ने शेखर के करीब आने की कोशिश की और नतीजा क्या निकला? नेत्रा इज डेड मां, नेत्रा मर चुकी है। शेखर से प्यार करने के बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सब क्यों हुआ मां, क्यों? चुप कर, चुप कर जा, रो मत। पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में एक बात आ रही है, शेखर नेत्रा को लेकर बहुत प्रेशर में था, वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर ने गुस्से में आकर? मां, मेरा मन बहुत घबरा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए शेखर ही रिस्पॉन्सिबल? नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। शेखर ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, शेखर ने गलतियां जरूर की है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता मां। ऐसा नहीं हो सकता मां। समर, शेखर घर कब आएगा? बहुत जल्द आ जाएगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, अब मैं और बाबा लॉयर से मिलने जा रहे हैं। भैया, मुझे लग रहा है कि हम किसी दूसरे लॉयर को कंसल्ट करें जो इस तरह के केसेस हैंडल करने में एक्सपर्ट हो। पहले इस लॉयर से बात करके इस केस की सारी पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं, और अगर जरूरी हुआ तो ये भी करेंगे। और जी हाँ, तुम मानस के साथ पुलिस स्टेशन चली जाना और शेखर को अच्छी तरह समझा देना कि पुलिस के दबाव में आकर कोई भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट ना दे। जी भैया। मम्मी, मम्मी खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाऊं? अरे, सबके चेहरों पे ऐसी मायूसी छाई हुई है और तुझे खाने की पड़ी है? क्या बात है डब्बो, आज जिया को लेके तुझे दुख नहीं हो रहा? जिया शेखर को मिलने अपने मायके गई है, इसलिए मैं खुश हूं। जिया शेखर को मिलने अपने मायके गई? ये तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है डब्बो, शेखर तो... मम्मी, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपने कहा था ना, पुलिस शेखर को ससुराल की हवा खिलाने ले गई है, तो अब जो शेखर का ससुराल हुआ वो जिया का मायका हुआ कि नहीं? देख, शेखर जहाँ पे है ना, वो जिया का मायका हो ना हो, लेकिन शेखर का ससुराल जरूर है और वहां पर उसकी खूब खातिर हो रही होगी। मुझे है क्यों लाया गया? मैं पूछ रहा हूं, मुझे है क्यों लाया गया? अबे चुप बैठ, सब पता चल जाएगा। देखिए, मैं अपना बयान दे चुका हूं। जब मैं पुणे से निकला तो नेत्रा वहीं थी, सही सलामत थी। मानस उसे लेने जाने वाला था। इससे पहले कि मानस वहां पहुंचता, किसी ने नेत्रा को किडनैप कर लिया। किसने किया, क्यों किया, मैं कुछ नहीं जानता। इसने किया। रिलैक्स, हेलो मिस्टर शेखर पांडे, द फेमस फॉर्मर क्राइम रिपोर्टर, पांडे फैमिली के रोशन चिराग। मुझे यहां क्यों लाया गया है? सब कुछ जानते हुए भी तुम बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो? चलो मैं ही बता देता हूं। एक बीवी, एक माशुका। बीवी मुंबई के घर में, माशुका पूना के घर में, ऐश ई ऐश। पर क्या करे तुम जैसे अमीरजादों के नेचर का, जब एक माशुका से दिल नहीं भरता तो दूसरा शिकार ढूंढ लेते, और जब महबूबा ने अलग होने से इंकार किया तो उसे मार डाला। What nonsense? ये सब गलत है। इतनी जल्दी भी क्या मिस्टर शेखर? गलत क्या है और सही क्या है, यही जानने के लिए तो हम तुम्हें यहां पर लेकर आए हैं। अब तक तुमने बड़े बड़े लोगों के कई किस्से मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने खोले। पुलिस की ब्रुटैलिटी, उसकी ज्यादती, हैवानियत, इन सब के बारे में बहुत कुछ लिखा है तुमने। लिखा है ना? हाँ। और मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूं कि पुलिस की ज्यादती के बारे में अब तक तुमने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच है।
अब तक तुमने इस कमरे की बहुत बार तस्वीरें खींची होगी। आज मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी करवा देता हूँ। जियम, क्या हुआ? पता नहीं मानस, हमें और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? बस कह रहे कि थोड़ी देर और, पर कितनी देर और? वो हमें इस तरह इंतजार क्यों करवा रहे हैं? जियम, कुछ होगा ना पुलिस का? क्या होगा मानस? क्या शेखर कोई गुंडा या बदमाश है या फिर कोई आतंकवादी जो हमें उससे मिलने के लिए इस तरह रोका जा रहा है? ओके, ओके जिया, जस्ट रिलैक्स, मैं पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम काफी टाइम से शेखर पांडे को मिलना चाहते हैं, कहाँ है वो? मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ पूछना है अंदर जाकर पूछो। ठीक है, मैं खुद जाकर अंदर पूछ के आता हूँ। ये लोग यहाँ इतने बिजी हो जाते हैं, लोग शायद भूल गए हैं कि हम लोग यहाँ पर शेखर को मिलने आए। मैं पता करता हूँ, यू रिलैक्स। ओके, अब बहुत हो गया। एक मिनट जिया, एक मिनट। काय साहब, बताओ ना, किधर है शेखर? हमको जितना पता है उसे अंदर लेकर गया है। अंदर इंटरोगेशन के लिए? बहुत कड़क इंस्पेक्टर है वो।